नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन लोकोमोटिव के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सीरीज़ के सेनापति यानी वैप 4 और वैप 1 के बारे में। दोस्तों, ये दोनों लोकोमोटिव बहुत ही कमाल के हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि इंडियन रेलवेज़ के बैकबोन हैं तो गलत नहीं होगा। आज हम इनको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, और जानेंगे कि कौन जीता और किसने मारी बाजी। तो देखिए दोस्तों, दोनों लोकोमोटिव बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि रेल फैंस में इन लोकोमोटिव को एक बहुत ही अलग लेवल का प्यार दिया जाता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं अगर ये कहूँ कि वैप 1 को पहले लाया गया और उसको बाद में रिटायर करके उसने वैप 4 ने इसकी जगह ले ली तो गलत नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस कंपैरिजन में हम लोग कुल 5 चीज़ों के बारे में कंपेयर करने वाले हैं। पहले तो कंपेयर करेंगे कि ट्रेन की इन लोकोमोटिव की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, इनके पावर आउटपुट, और इन लोकोमोटिव में कौन से ऐसी खूबियां सिस्टम्स हैं जो कि दिए गए हैं, और इसके वेट के बारे में, और कौन कौन से कमाल के ट्रैक्शन मोटर्स यूज़ किए हैं जो कि इन लोकोमोटिव को इतना सक्सेसफुल और इतना पावरफुल बनाते हैं और इतनी अच्छी स्पीड देते हैं। तो इन 5 चीज़ों को कंपेयर में रखते हुए हम लोग अपने कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो। पहला कंपैरिजन स्पीड को लेकर। स्पीड तो देखिए दोस्तों, क्या है कि वैप 1 को जब पहले लाया गया था तो उस टाइम पे 10 से 18 कोचेस वाली ट्रेनों का यूज होता था, और उस टाइम में 110 या 120 की स्पीड को अगर मैं आज के हिसाब से कहूँ कि 180 यानी हाई स्पीड मानी जाती थी तो गलत नहीं होगा। तो उस टाइम पे वैप 1 ने क्या कहते हैं, पहले आकर अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रूफ किया। लेकिन बाद में, जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि धीरे धीरे इंडियन रेलवे ने अपनी, मतलब इंडिया की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जो 16 से 18 कोचेज वाली ट्रेनों में काम नहीं हो पा रहा था, तो रेलवे ने क्या किया कि 20 से 24 कोचेज वाली ट्रेनों को लाया। तो वैप 1 को जब उसमें लगाया गया तो उसकी स्पीड कुछ खास नहीं आ रही थी। मतलब स्पीड तो वो दे नहीं पा रहा था, साथ ही साथ व्हील स्लिप की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो वैप, यही बात करूंगा अगर मैं वैप 4 की, तो इस लोकोमोटिव ने इन दोनों चीज़ को दूर किया, यानी कि उसने स्पीड भी दी प्लस साथ साथ 24 से 26 कोचेज वाली ट्रेन को आसानी से खींच सकता था एट द 140 किलोमीटर पर आर। हालांकि इन लोकोमोटिव को और आगे 180 किलोमीटर पर आर पे भी ट्रायल में लिया गया था, लेकिन इनके हिसाब से 140 की स्पीड एज अ पैसेंजर ट्रेन एकदम नॉर्मल रखी गई थी। तो इस राउंड का मैं विजेता देना चाहता हूँ वैप 4 को। कॉन्ग्रेचुलेशन वैप 4, आप पहला राउंड जीत गए हैं। करते हैं यहाँ पे सेफ्टी सिस्टम्स की। भाई वैप 1 कुछ करिए भाई, आपसे आगे निकल जा रहे हैं। तो सेफ्टी सिस्टम्स की बात करते हैं वैप 4 के बारे में। तो वैप 4 में और वैप 1 में सेफ्टी सिस्टम्स तो सेम ही है, वही स्लिप कंट्रोल वाला है, ओवर वोल्टेज, लो प्रेशर, ट्रेन पार्टिंग अलार्म्स, तो वही चीज़ वैप 1 में भी है। लेकिन दोस्तों, एक सस्पेंस, एक छोटी सी कमाल की बात यह है कि इस वाले राउंड का, यानी सेफ्टी सिस्टम्स वाले राउंड का विनर मैं डिक्लेयर करूंगा वैप 1 को, क्योंकि ये सारी खूबियां जो है वो पहले वैप 1 में लाई गई। वैप 4 में अपग्रेड किया गया सिर्फ हॉर्स पावर, हॉलिंग पावर और अदर जो कि मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। बाकी सेफ्टी सिस्टम्स की बात की जाए तो पहले तो उसी में आई, उसी का देखा देखी वैप 4 में आई। तो इसके माध्यम से मैं इस राउंड का विजेता घोषित करना चाहूंगा वैप 1 को। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अब बात करते हैं पावर आउटपुट की। पावर आउटपुट में हम जानते हैं कि वैप 4 विजेता रहेगा, लेकिन देखिए दोस्तों, क्या है कि वैप 1 को जब हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो छोटे से स्टार्ट करते 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 उसको बड़ा करते हैं। वैप 1 आया जिसकी हॉर्स पावर 3660 HP की थी। धीरे 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 जब उसको अपग्रेड करते करते चले गए, तो जब वो वैप 4 में कन्वर्ट हुआ तो उसकी जब
जाहिर सी बात है जब वेब फोर में इसको कन्वर्ट किया गया होगा या जो भी कमाल के फीचर्स लाए गए होंगे उसके कारण इसकी हॉर्स पावर में भी बदलाव किया गया, क्योंकि अपग्रेडेड का मतलब होता है चीज़ों का बढ़ना। तो जब चीज़ें अपग्रेड हो रही है तो जाहिर सी बात है वेब फोर, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि आपको रिजल्ट चाहिए मेन। तो भले ही आप पहले आए हो, चाहे अगर आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हो तो आप भी विनर हो, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस वैसे ही वेब फोर की हॉर्स पावर भी अच्छी थी, प्लस इसकी स्पीड भी अच्छी थी, प्लस हॉलिंग पावर भी अच्छा था। तो इसके माध्यम से रेटेड पावर आउटपुट में तो नो डाउट विनर वेब फोर ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर जीतते हैं वेब फोर। अब बात करते हैं ट्रैक्शन मोटर्स की। तो वेब फोर में यूज होने वाला जो ट्रैक्शन मोटर है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हिटाची का HS15250 है, और वही वेब वन का ट्रैक्शन मोटर है एलस्टॉम ICLW जो कि TAO659 के मॉडल का है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आपने क्या कहते हैं, अगर आप कंपनीज के बारे में या ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपनीज के बारे में जानते होंगे तो आपको भी पता होगा कि एलस्टॉम से कितना अच्छा हिटाची है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी है। लेकिन कहते ना, समय समय में हर कोई अपना हीरो, तो सबका वक्त आता है, सब लोग अपग्रेड होते हैं, और हर जैसे हर साल मोबाइल की नई नई टेक्नोलॉजी आती है अपग्रेडेड फीचर्स के साथ, सेम वैसे ही रेलवेज में भी होता है। और हमारी इसमें यही देखने वाली बात है ना कि जिस टाइम वेब वन आया था उस टाइम एलस्टॉम एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही एडवांस कंपनी थी, लेकिन जैसे जैसे एक और मतलब दुनिया आगे बढ़ती गई, नई नई चीज़ें आती गई, तो ऐसे में जब हिटाची अब आई है तो हिटाची एकदम से लेटेस्ट होगी। आने वाले सालों में या 10-20 साल बाद या 6-7 साल बाद कोई ऐसी कंपनी है जो कि हिटाची से भी अच्छी हो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे मोटर्स की बात हो जा रही है जो कि अपग्रेडेड है, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे वेरिएंट और उसमें आते हैं क्या कहते हैं मॉडिफिकेशंस के साथ, तो वो होंगे वेब फोर के ट्रैक्शन मोटर्स जो कि हिटाची के हैं। तो इस राउंड का मैं विजेता घोषित करना चाहूँगा वेब फोर को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3-1, आप जीत गए। तो दोस्तों, अब वेट के बारे में मुझे बोलने की क्या जरूरत है, आपको स्क्रीन पर ही दिखी गया कि वेट किसका ज्यादा है, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें भी वेब फोर विनर है। नहीं दोस्तों, देखिए विनर ऐसे है वेब वन कि पैसेंजर्स वाले जो लोकोमोटिव होते हैं उनको मेन होता है स्पीड देना, और स्पीड कब मिलती है, जब चीज़ हल्की हो। अगर गुड्स वाले लोकोमोटिव की अगर मैं ये कहूँ कि उनमें हॉलिंग पावर इतनी कैसे आ जाती है, बल्कि वो भी तो एक ही इलेक्ट्रिक वाले ही होते, तो उन लोगों को इस हिसाब से भारी डिज़ाइन किया जाता है कि वो लोग भारी से भारी चीज़ों को उठा सके, क्योंकि फ्रेट लोकोमोटिव में स्पीड कुछ उतनी मान्यता नहीं रखती है, 80-90 बहुत होती है। और पैसेंजर्स वाले में क्या है कि पैसेंजर्स वाले लोकोमोटिव को स्पीड की ज़रूरत होती है, और स्पीड आपको कब मिलेगी, जब आपका वेट थोड़ा सा कम हो। तो ऐसे में ये है कि जो हमारे क्या कहते हैं वेब वन और वेब फोर में कुछ मतलब क्या कहते हैं वेट का कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, बस 800 किलो का ही डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है ना, भले चाहे 800 का हो या 10 का हो। तो ऐसे में मैं विनर देना चाहूँगा वेब वन को, क्योंकि हल्का है। और ये भी नहीं कह रहा कि वेब मतलब मानते हैं कि अगर वेब वन में 10-18 कोचेज वाली ट्रेनों को खींचने को दे दिया जाए तो ये भी लोकोमोटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात होती है ना, जैसे अब हम लोग को आगे भी तो बढ़ना है, अब इंडियन रेलवेज आने वाले टाइम में क्या पता 30-24 कोचेज वाली के बजाय 26-27 या 30 कोचेज वाली ट्रेन भी चलाएं, क्या पता वेब फोर से भी अच्छा, वेब फोर से तो अच्छा वेब सेवन है ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोनों लोकोमोटिव तो कमाल के हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि कंपेयर करनी चाहिए, जो कि बताती है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया। तो इस पूरे कंपैरिजन करते हुए, पूरा रिजल्ट में पहुँचते हुए, मैं यही कहूँगा कि वेब फोर एक तरह से वेब वन का अपग्रेड वाला वर्जन है। मतलब कि ये हुआ कि जैसे उस टाइम पे हमारी जो एक ट्रेनें थी वो 10-18 कोचेज वाली थी, और अब की ट्रेनें हो गई है 24-26 कोचेज वाली। तो इसीलिए दोस्तों, इस पूरे कंपैरिजन का विनर मैं वेब फोर को देना चाहूँगा। खैर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट लोकोमोटिव कौन सा है और क्यों है। अगर वेब वन है तो कमेंट करिएगा कि वेब वन में ऐसा आपको क्या लगता है, और अगर वेब फोर है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो के देखने के लिए।
आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी, और हाँ प्लीज़ घर पर रहिएगा और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।